हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो देखिए भाई, आज के जो क्वेश्चन सीएसआईआर नेट जून 2020 जिसको बोल सकते हैं, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अपने पास, एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। ये क्रैबट्री से था, पेज नंबर 150। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को, अगर पहले की आपने वीडियो देखी है तो आसानी से कर लोगे। इस पे लास्ट टाइम इसमें बॉन्ड लेंथ पूछी थी, लास्ट का जो पेपर हुआ था सीएसआईआर नेट में, उसी से रिलेटेड इस बार हमने पहले डिस्कस किया है कि जब भी सीपी स्टार होगा तो क्या बनेगा, ऑलवेज लो स्पिन बनाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम, तो इसका क्या बनेगा अपने पास, ईजी के अंदर क्या आ जाएंगे, चार इलेक्ट्रॉन और ए वाले के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला कॉम्बिनेशन इसका जो ऑप्शन था राइट होगा। ठीक है, लो स्पिन बनेगा मैग्नीज के लिए, आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रहा होगा, चार इलेक्ट्रॉन नीचे भरे हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर भरा हुआ है। उसके बाद देखिए, ये वाला कॉम्प्लेक्स था, इसमें अपने को स्पेक्ट्रम पूछा हुआ था दो टेम्परेचर के ऊपर, यह भी क्या है, क्रैबट्री से पूछा हुआ है, पेज नंबर 277। क्रैबट्री के अंदर आपको स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा होगा, देखिए स्क्रीन के ऊपर, इस पे ये इसने पूछा था +30 डिग्री और -80 डिग्री, +30 डिग्री और -80 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखिए, जब -80 की बात करेगा तो हमें पता है इसके अंदर क्या है, एक ईटा वन के अंदर और एक ईटा फाइव मोड के अंदर है। तो ईटा फाइव मोड वाले का तो कोई चक्कर नहीं है, वो तो एक अपना सेपरेट सिग्नल दे देगा। ठीक है, इसके ऊपर उसका जो दो ऑप्शन थे ना, वो ऐसे थे 2, 2, 1 एंड 5। तो जो ये वाला जो दिया हुआ था, ये तो ऑप्शन सब में क्या था, दो ऑप्शन में कॉमन था, ये 2, 2, 1 और 5। ये 2, 2, 1, 5 किसके लिए था, ईटा वन वाले के लिए क्या बनेगा 2, 2 और 1, और ईटा फाइव वाले के लिए 1, 5 का सेम सिग्नल एक ही दिखाई देगा, क्योंकि सारे के सारे पांचों के पांचों क्या होंगे, एक जैसे। उसके बाद देखिए 30 के ऊपर आपको स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा होगा, उसके अंदर 30 पे एक ही सिग्नल दिखाई दे रहा होगा ऐसा, पर आंसर में क्या होगा, एक नहीं होगा, क्योंकि वो एक किसके लिए है, वो जो नीचे उसके लाइन लिखी हुई है, देखिए ईटा वन सीपी के लिए ये रेजोनेंस आपको दिखाया हुआ है, सिर्फ ओनली किसके लिए दिखाया हुआ है, ईटा वन सीपी के लिए, किसके लिए, ईटा वन सीपी के लिए। तो क्या बनेगा अपने पास, आंसर क्या बनेगा, 2 पीक शो होगी, क्या होगी, 2 पीक, और एक साथ में दूसरा ऑप्शन तो यही रहेगा सेम। तो इसके आपके पास जो क्वेश्चन में ऑप्शन थे उसमें था 1 पीक और दूसरे में था 2 पीक और ये, और इसके साथ दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था, 2, 2, 1, 5 इंटेंसिटी का। 2, 2, 1, 5 किसकी वजह से होगा, ये वाला -80 वाले की वजह से, और 30 वाले पे क्या होगा, 2 पीक मिलेगी, एक ईटा वन वाले की, ईटा वन वाला किस में कन्वर्ट होता रहेगा, ईटा वन और ईटा फाइव में, तो इसका एक ही सिग्नल मिलेगा, ना कि 2, 2, 5, 1 वाले की। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 पीक, और साथ में अपना दूसरा आंसर क्या रहेगा कि 2, 2, ये तो सेम ही था, ये तो आप मैच कर ही सकते हो। इसके बाद अपने से एक क्वेश्चन और पूछा गया था ज्योमेट्री का, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके आप निकाल सकते थे। उसमें भी क्या था, आयरन दिया हुआ था अपने पास, कार्बन रखा हुआ था और कुछ सीओ लिगेंड्स, और -2 था, तो उसका जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा वो निकल के आएगा 62, और 62 का हमें पता है क्या होता है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। एक क्वेश्चन और था, उसका एग्जैक्ट मुझे स्ट्रक्चर याद नहीं है, ओएमसी का मोलिब्डेनम करके, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करता हूं थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, ओके, जब तक किसी को जो क्वेश्चन याद है वो आप नीचे टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।